ओम शांति। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीठे प्यारे बाबा का आज हम सभी विशेष योग दिवस पर बाबा बहुत सुंदर ज्ञान योग की बातें बताएंगे। योग के भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्मता बाबा हमें रोज़ बताते हैं। सुप्रीम टीचर योगेश्वर शिव बाबा हम सभी बच्चों को मानसिक योग, राजयोग के विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स बाबा देते रहते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण नियम और मर्यादाओं को पालन करने वाले। यदि संपूर्ण नहीं करते, आप 1% भी करते हैं, 2% भी करते हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं तो भी आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्रह्मामुख संतान की सच्चे ब्राह्मण हैं बाबा कह रहे तुम बच्चे, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हो। आज योग दिवस पर विशेष बाबा हमें राजयोग की पढ़ाई विशेष जोर दे रहे हैं और सारा दुनिया को हमें राजयोग का ही सत्य ज्ञान देना है, जो संपूर्ण योग है, जो संपूर्ण योग है, जो संपूर्ण सत्य योग है, राजयोग है। इस योग को जितना अच्छी रीति से आप फैलाएंगे, आत्माओं तक बताएंगे, उतना बाबा खुश होंगे। जो स्वयं योगेश्वर भगवान हैं वो आकर के ये योग सिखलाते हैं, इसलिए संसार में योग की इतनी भारी महत्ता है, इतनी भारी महिमा है। तो इस योग को, राजयोग को दुनिया तक फैलाने के लिए जो भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं, उसे आप कितना समय निकालते, कितना तत्पर रहते, कितना आपको परमात्मा पिता से प्यार है, कितना आपको लगन है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो निर्णय लेंगे बाबा उसमें मददगार बनेंगे। आज का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में बिल्कुल निराला है, अनोखा है, वंडर है, बाबा कहेंगे आदित्य है, ये वंडरफुल है, या इसके जैसा योग, यहाँ के सत्संग जैसा और सत्संग दुनिया में कहीं नहीं। तो बाबा जी उत्तर क्या दे रहे, ध्यान से सुनिए। दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, लेकिन इस सत्संग में सत्य कौन से बाबा, उसके संग हम सभी कर रहे हैं, उनसे हम सभी शिक्षा ले रहे हैं। तो इस सत्संग में एम ऑब्जेक्ट है नरसिंह नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, संपूर्ण बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, संपूर्ण मन जीत, जगत जीत, बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता बाबा दिए हुए हैं। बाबा कह रहे तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ना, और कोई सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होता नहीं है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवा करके भटकते रहते हैं। दूसरे सत्संग में ये होती है, इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है, और स्कूल में क्या होता, पढ़ना होता है, इसलिए बाबा का स्कूल रोज आना चाहिए। और जो संगम ही ऊपर बहानाबाजी करते रहते, ये कार्य है, ये धंधा, ये बिजनेस है, तो ये आपका तकदीर की बात होगी, क्योंकि भगवान हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, और हम बोल दें कि हम बहुत बिजी हैं तो ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बातें हैं, हमें बहुत अच्छी रीति से ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ना है, भटकना नहीं है। पढ़ाई माना कमाई, जितना तुम बच्चे पढ़कर धारण करते हो, कराते हो, उतनी तुम्हारी कमाई जमा हो जाती है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। बाबा जो बोले हैं कि सत्संग में आने से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, बाबा का पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा सत का संघ है जहाँ पर चारों तरफ से केवल फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बोले हैं, ज्ञान का सिमरण करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरण करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। ज्ञान का सिमरण करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। जब तक हम बाबा से योगयुक्त नहीं होंगे, राजयोग का हम बहुत अच्छा सा अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जन्म जन्मांतर का पाप हमारा आत्मा का नहीं कट सकता है। बाबा क्या बोले, डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक मतलब समझ रहे हैं, एक तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति को पालन करना है, और दूसरा किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा शांति हिंसा नहीं करना है। दूसरे मुख्य पॉइंट है, संपूर्ण बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर
राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है, उच्च पद पाना है। बाबा बोल रहे हैं अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बना करके राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें दिल में सदा खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य देवता बन रहे हैं। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य देवता बन रहे हैं। तो हमें देवी देवता बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दुनिया में तो विचारों को मालूम ही नहीं कि देवी देवता बनने का भी पढ़ाई होता है। और भगवान हम सभी बच्चों को कितना श्रेष्ठ पालना दिए हैं, कितना श्रेष्ठ बुद्धि दिए हैं, कितना अच्छा अभी हमें बाबा अवसर दिए हैं। जब हम बहुत अच्छा बाबा की पालना ले सकते हैं, बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, बहुत अच्छा भाग्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं, वो सब हमारे ऊपर है कि हम आप कितना करते हैं। दूसरी मुख्य पॉइंट, अपनी बुद्धि स्वच्छ रखना है, उच्च पद पाना, सच्ची सच्ची कथा सुननी। आज का वरदान बाबा दे रहे हैं, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। बाबा बोल रहे हैं संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनने का साधन क्या है, मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है, मन को मेरे में लगाए, हर कर्म करते हुए बाबा में बुद्धि को लगाए रखना। योग को बुद्धि योग कहा जाता है ना, बुद्धि का योग परमात्मा पिता से होना चाहिए। अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी बच्चे। विधि पूर्वक कार्य करें मन बुद्धि, जहां चाहे जितना देर चाहे उतना आप बुद्धि को लगा सके, कंट्रोल कर सके, तब कहेंगे निरंतर योगी बच्चे, बाबा की याद में रहने वाले निरंतर योगी बच्चे। आज का स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो। सारे संसार को राज्यों की शिक्षा देना है, बाबा शिक्षक है, परम शिक्षक है, उनके बच्चे मास्टर शिक्षक बनो और समय को शिक्षक नहीं बनो। मास्टर विश्व का शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।